गाइस, मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना स्किन केयर रूटीन। तो मैंने अपने बालों में कलर किया है, कैसे मैंने अपनी स्किन केयर की है, तो कैसे मैंने अपने पल सुनाई है, तो देखिए ये वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हेलो गाइस, आज मैं करने जा रही थी सेल्फ केयर, तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी अपने बालों में कलर, क्योंकि रूट से वाइट हो जाते हैं, तो पहले बालों में कलर करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करना है वो भी दिखाती हूँ। गाइस, ये लिया है गार्नियर का ब्लैक नेचुरल। इन दोनों पाउच को मैं निकाल लेती हूँ। ये इस तरह से दो पाउच निकलते हैं एक में से, तो ये दो पैकेट लिए थे मैंने, तो इनको निकाल लेती हूँ। ये दोनों पाउच का ये मैंने डाल दिया, कुल चार पाउच निकले थे, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं ग्लव पहन लूँगी ताकि हमारे हाथ गंदे ना हों, और बालों को मैंने सुलझा लिया था पहले। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पीछे से। बस ऐसे लेते जाना है और लगाते जाना है, और ऊपर से कॉम्ब घुमाएंगे ताकि कहीं भी रह गया हो तो अच्छे से लग जाएगा। मेरे पास रूट से भाई है, तो मैं ज़्यादा रूट लगा रही हूँ, तीन चार पाँच रूट लगा रही हूँ। फिर कभी बाई चांस बालों लगाती हूँ, बालों के जैसे हैं, तो ज़्यादा बालों में हमेशा लगाती हूँ, वहाँ से रूट का लगाती हूँ। और ज़्यादा मिक्स करते हैं, कहीं कभी होना तो उसमें भी लग जाएगा। और मेरे बालों से मेरे बालों को सामने से ज़्यादा बाइक लगाते हैं, तो यहाँ पर देती हूँ मैं ताकि अच्छी से डाल हो जाए। बच्चे हैं लगा लेती हूँ, एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको बाल में लगाना हो तो लगाने के बाद आप ऐसे करके वापस तो अपने बाल में लगा के वैसे करके बिल्कुल ऐसे और कर सकते हैं। बिल्कुल बाल नहीं लगाए तो मैं दिन देखिए छोड़ दूँगी, फिर शैम्पू कंडीशनर करूँगी। गाइस, अब मैं करूँ जा रही हूँ अपर लिप्स। ये लिया मैंने थ्रेडिंग का धागा ना पकड़ के, इसमें लगाएंगे गांठ। और ये लगा लूँगी मैं पाउडर। पसीना बहुत आ रहा है, मैंने थोड़ा सा पाउडर और लगा लिया। तो गाइस, ये अपर लिप्स भी हो गए हमारे, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे। गाइस, अब हम लगा लेंगे थोड़ा सा जेल। ये ले रही मैं क्लींजिंग जेल और अपने फेस को कर रही हूँ क्लीन।
टिश्यू पेपर से क्लीन कर रही हूँ। ये लगा रही हूँ राधा का डी10। गाइस ये पाउच आता है, आप इसको दो बार यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से। इसको लगा के मैं 10 से 15 मिनट छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से सूख जाए। गाइस ये अच्छे से सूख गया है, अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। छो भाई वाली गाइस ये देख सकते हो आप कितना क्लीन हो गया फेस। और अब मैं करूँगी स्क्रब। गाइस मैं ले रही हूँ खादी का स्क्रब, ले लूँगी थोड़ा पानी। अच्छे से 5 मिनट स्क्रब करेंगे बिल्कुल लाइट हाथों से। ये स्क्रब भी रिमूव कर लिया मैंने। गाइस अब मैं लगा रही हूँ ये हाइड्रा रूट का मास्क। एक में पाउडर रहता है और एक में रहता है जेल। ये पाउडर उसमें जेल, इसको मिलाने के बाद छोड़ना नहीं है, फटाफट से मिला के फटाफट लगाना है वरना ये बिल्कुल सूख जाएगा। तो एक मिनट भी बिल्कुल फालतू नहीं छोड़ना, हैंड टू हैंड मिक्स करके फटाफट से लगाना है बिल्कुल तेजी में। अगर आप इसको छोड़ देंगे ना मिक्स करने के बाद बिल्कुल रबड़ का हो जाएगा और किसी काम का नहीं लगेगा, ये लगेगा भी नहीं पूरा। ये सूख जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ तुरंत कैसे करते हैं। गाइस ये बहुत अच्छे से सूख गया है और ये देखना कितना इजीली रिमूव हो जाता है। तो इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो को एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ये स्किन केयर रूटीन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये बाहर शोर हो रहा है, थोड़ा सा काम चल रहा है घर में, तो उसके लिए सॉरी। देख सकते हो आप स्किन कितना ग्लो कर रही है। कितना ग्लो कर रहा है।